So, hello guys, good morning. आज का ऐसा है कि सुबह के बज रहे 7:15, तो अभी मैं प्रैक्टिस करने आया था ग्राउंड पर. जो ग्राउंड दिखाता हूँ, ये ग्राउंड है. ठीक है फिर. अभी मैं पूरा किटअप हो गया हूँ. सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है. देखो, शूज़ वगैरह सब कुछ पहन लिया है. अभी तो फिर चलते हैं और प्रैक्टिस करके फिर मिलते हैं. ओके. सो गाइस, अभी हो रहा हूँ 8:30 सुबह के, और मेरी प्रैक्टिस हो गई, लेकिन गंदा बहुत हो गया यार. ये देखो शूज़, देखो शूज़ की हालत, देखो ग्रे शूज़ की हालत बहुत गंदा हो गया. वहाँ पे मेरी प्रैक्टिस हो रही थी. अभी कौन दिख रहा है, मेरा बैग है और फुटबॉल. अभी जस्ट पानी पीने बैठा था, थक गया यार बहुत, बहुत ही ज़्यादा थक गया. ऊपर से धूप देखो, मुँह पे आ रही है, पर अच्छी होती है. और बंदर भी है दूर, आपको दिख रहा है. घर को मैं जूम कर रहा हूँ, दिखे वही. प्रैक्टिस करके अच्छा लगा. 3-4 ड्रिल्स किया, थोड़ा शूट मतलब पासिंग प्रैक्टिस किया, देन फिर रनिंग किया. स्टार्टिंग में भी रनिंग किया, वार्म अप किया, और फिर अभी रेस्ट. एंड कल मैच भी है मेरा बांद्रा में. थक गया यार बहुत. अगर आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो आप सुबह प्रैक्टिस करते हो या इवनिंग में करते हो, और बेनिफिट्स क्या क्या है सुबह प्रैक्टिस के और इवनिंग प्रैक्टिस के, बताना मुझे ज़रूर. और बेस्ट टाइम क्या है, सुबह या शाम? तो ठीक है फिर, अभी थोड़ा धूप लेता हूँ, थोड़ा पसीना सोखता हूँ, और फिर घर पे निकलता हूँ. ठीक है. सो गाइस, अभी प्रैक्टिस हो गई, कभी मैं घर के लिए निकल रहा हूँ. तो पसीना पसीना हो गया, ऊपर से धूप देखो, बहुत पसीना पसीना हो गया, और थक भी गया बहुत. घर पे जाऊँगा, टैंक बनाऊँगा और पीऊँगा. देखो इतना बड़ा ग्राउंड है, मेंटेन नहीं इतना. देखो फिर ठीक है, चलो चलते घर पर. तो गाइस, अभी मैं फुटबॉल प्रैक्टिस से घर पे आया, फिर मेरा शूज़ धोया, फिर उसके बाद मैं नहाया, और अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाया मेरा. तो आज के ब्रेकफास्ट में देखो क्या है. तो आज का ब्रेकफास्ट बताता हूँ क्या है. देख, लाइक ये मैंने क्या किया पता है क्या? ये ब्रेड लिया, अंडा लिया, और अंडा थोड़ा मैंने कच्चा ही रखा है, और ये पुदीने की चटनी और सॉस. तो ये 4 अंडे और एक फुल एग, 4 एग वाइट है और एक फुल एग. तो ये है आज का मेरा मील, ब्रेकफास्ट मील. तो अभी समथिंग 1:30 हो रहा है, तो मैं मेरी मम्मी की थोड़ी दवाई लेने आ रहा हूँ, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है. एकदम स्टेशन से ट्रैक में हुआ, पता नहीं उनको 2 दिन से क्या हो रहा है. तो वो दवाई तो लेकर है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है. तो अभी एक डॉक्टर के पास गए, मेरे वाले डॉक्टर के पास, तो उनसे लिए, तो उन्होंने दिए मेरे को स्लिप और वो दवाई लेके आने बोला.
तो भी मैं जाता हूँ और लेके आता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं मेडिकल पहुँचा, अभी देखते हैं इधर से दवाई लेता हूँ मैं। यहाँ पे है मेडिकल, यहाँ से लेता हूँ फिर देखता हूँ कैसा क्या। चलो तो अभी जो दवाई थी तो दोनों से बस एक ही मिली है। ये दवाई चाहिए थी फर्स्ट वाली है ना, वो नहीं है। कहाँ मिलेगी कुछ आइडिया? मिल जाएंगे। अभी मैं जाके आया, पूरा मेडिकल चेक किया, लेकिन वो जो फर्स्ट वाली दवाई है ना, शायद वो है B2 ऐसा कुछ है, या B2B है, वो मिल ही नहीं रही, कहीं भी नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों। मैं बहुत ढूंढा, तो अभी मैं देखूँगा खाना खाने के बाद जाके फिर देख के आता हूँ वो दवाई, वो सेकंड वाली जो दवाई वो मिल गई मेरे को, तो वो मैं लेके आ गया। तो अभी चलो ठीक है, देखते हैं, मम्मी के पास जाके बैठता हूँ, क्या है कैसे पूछता हूँ उनको तबीयत कैसी है क्या है। ओके फिर दूसरा दिन है, आज मेरा मैच है, तो वही मैं बांद्रा जा रहा हूँ मैच खेलने। तो ठीक है चलते हैं, और एक सरप्राइज़ भी है, तो सरप्राइज़ भी दिखाऊँगा आप लोग को, पहले मिलने दो तो मैं बताऊँगा, अच्छे से बताऊँगा, और बताऊँगा भी कि कैसा गया मेरा मैच, एक्सपीरियंस कैसा था आफ्टर रमज़ान, कैसा लग रहा था खेलने, स्टैमिना है नहीं है, वो सब मैं बताऊँगा। ओके ठीक है। तो गाइस, मैंने जैसे आपको बोला था कि मेरा आज मैच था, तो मैच तो हार गए हम लोग 3-0 से, और मैं बोला था ना कि एक सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ मैं घर पर जाने के बाद दिखाऊंगा। एक्चुअली वो क्लोथ से रिलेटेड है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को घर जाके, ठीक है। तो जैसे मैच हो तो मैं मेरे स्कूटी के पास आया, देन मैं सोचा चलो अभी ईयरफोन्स लगा के घर पर चलते हैं, तो ऐसे में प्लान बना कि चलो अभी निकलते हैं। तो वहाँ से मैं बांद्रा टू पहले मानपुर आया, फिर मानपुर से मैं डायरेक्टली पनवेल आया, फिर पनवेल आया, तो पनवेल आने के बाद मैं फिर यहाँ पे खाना कॉलोनी में एक अच्छा मंचूरियन वाला है, तो वहाँ से मैंने मंचूरियन खाया, इसका टेस्ट बहुत सही लगता है मेरे। एक वीडियो में मैंने बताया है कि मैं वहाँ से मंचूरियन खाता हूँ करके, ठीक है। तो उसके बाद मैं फिर स्कूटी में बोला चलो अभी थोड़ा आराम करते, थोड़ा रेस्ट लेते, थक भी गया था मैं आजकल के बाद। तो ऐसे ही ये गार्डन दिखा, ये पहले भी आ चुका हूँ मैं गार्डन में, अंदर बैठता था, लेकिन अभी कैसा है मैं बाहर अकेला हूँ ना, मैं बाहर बैठा हूँ, और वो मेरी स्कूटी उधर रही, उसको भी थोड़ा ठंडा कर रहा हूँ मैं। तो वही अभी मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ अकेले, फिर देखते हैं थोड़ी देर के बाद निकलूँगा घर पे, फिर निकलने के बाद आपको वो सरप्राइज वाली चीज़ बताऊँगा जो है ना क्लोथ से रिलेटेड, एक्चुअली फुटबॉल से रिलेटेड ही है, तो दिखाऊँगा मैं आपको, ठीक है। मिलते हैं। बोला था ना आप लोगों को कि मेरे पास एक सरप्राइज है, मतलब आप लोग के लिए क्लोथ से रिलेटेड। तो मैंने जैसे बताया था कि आज मेरा मैच है ना, तो इसलिए तो मुझे न्यू किट मिली मेरे को आज, मेरे क्लब से न्यू किट मिली 2022-2023 के लिए, जो अभी मेरा लीग चालू है मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन MFA, तो उसकी वो किट है, तो मैं आप लोग को किट दिखाता हूँ एक मिनट। सो गाइस, मेरे को ये किट मिली है मेरे जो मैं क्लब में खेलता हूँ वो क्लब की तरफ से, ये किट है, ये शर्ट है और ये शॉर्ट्स है, और ये ड्राई फिट है फुल। मैं भी बैग दिखाता हूँ, और ये बैग है, बैग पे ये लिखा हुआ है मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन, ये बैग है, so guys, मुझे बताना कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज है। मेरे लिए तो सरप्राइज ही, और मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट है ये कि मैं स्क्वाड में हूँ और खेल रहा हूँ MFA, तो मैं बहुत खुश हुआ आज, और आज मैच भी हुआ, आज हारे हम 3-0 से, मैंने बताया आप लोग को। अभी करते हैं नेक्स्ट मैच के लिए कुछ अच्छे करेंगे, तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, प्लीज़ सपोर्ट चाहिए आप लोग का।
ओके बाय।